हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बड़ बजट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ मॉडलर किचन का डिज़ाइन। जैसे कि आपको मॉडलर किचन बनाना, आपने देखा होगा कि जैसे कि हम नीचे के जो कैबिनेट बनाते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उससे बचाव किस तरीके से करा जाए। एक मॉडलर किचन में आप पत्थर के पार्टीशन लगा सकते हैं, उसमें आपका फ़ायदा रहेगा, 100% वाटरप्रूफ किचन बन जाता है। अगर आप पत्थर के पार्टीशन लगाते हो, जैसे कि आपने देखा हम जो बनाते हैं किचन मॉडलर किचन, तो उसमें जो कमियां रह जाती है वो किस कमी से कैसे बचना चाहिए और अपना किचन अपना लंबे समय तक चलाना चाहिए, तो उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलते हैं दोस्त। तो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि आपको मॉडलर किचन बनानी, एक एंट्री के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। जैसे कि आपको ओपन गेट छोड़ना, तो एक मॉडलर किचन में ओपन ठीक रहता है, तो इसमें आपका किचन भी अच्छा लगता है देखने में और आपको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। जैसे कि आपने ये देख रहे हैं इधर, ये हमारा जैसे पेंट्री यूनिट है। अगर आपके पास इस तरह की जगह है, फ्रिज आपको साइड में लेना बाहर की साइड, तो आप बाहर ले सकते हैं। थोड़ा सा बाहर से दिखा दो, जैसे फ्रिज बाहर लेना तो आप बाहर भी ले सकते हैं। इसके बाद अपने जैसे एंट्री में अगर आपको ब्रेकफास्ट टेबल बनानी है, इस तरीके से बना सकते हैं। साइज़ भी इसका ज़्यादा रख सकते हैं, 15 इंची 18 इंची इस तरीके से ले सकते हैं और उसमें 2.5 फुट जगह बना सकते हैं। ये जैसे गेट है एंट्री का, तो इसके हिसाब से अपना जगह बना सकते हैं। जो हमारी हाइट रखी जाती है जैसे इसकी टेबल की, तो ये आपकी कम से कम होनी चाहिए 36 इंची 3 फुट। उसके बाद अपना पेंट्री यूनिट ले सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट टेबल। उसके बाद अपने जैसे ये पेंट्री यूनिट साइड में ही बनाया जाता है, जो पेंट्री यूनिट था, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको इसमें बनाना क्रोकरी का ले सकते हैं। इसमें हमारे जैसे बाकी जगह क्रोकरी का नहीं बना, तो हमने यहाँ पे बना दिया। इस तरीके से अपना बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लाइट भी हमने लगा रखी है, इसमें ये प्रोफाइल लाइट है, ये हमने ऊपर से फिट कर रखी है। इसमें ये अपना इस तरीके से बंद हो जाता है, इस तरीके से लग जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, तो आपको इस हिसाब से बनाना। जैसे कि ये हमारे 26 इंची जगह थी, तो हमने उसको कवर किया था, जो हमारा इसमें साइज जो रखा था हमने, ये फ्रिज के लिए हम जगह बनाए थे 2.5 फुट की, तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया साइज 26 इंची इस तरीके से लिया। ऊपर हमने ये डोर ले रखे हैं, ऊपर भी अपना सामान रखने के लिए इस तरीके से कैबिनेट बना सकते हैं, जिसमें आपका पेंट्री यूनिट हमारा जो प्लान था इसमें 4 फुट बनाने का था, तो इसको जो 4 फुट वाला पेंट्री यूनिट होता तो उसको लगाने का प्लान था। बाकी इसका चेंज हो गया क्योंकि माइक्रो ओवन यहाँ पे लगता, थोड़ी सी हाइट हो जाती, और ये सिर्फ सिंगल, क्योंकि डबल जो डोर था ग्लास वाला क्रोकरी के लिए ये बनाना था, तो इस वजह से यहाँ पर रखा, फिर पेंट्री यूनिट का कैंसिल हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें भी हमने सेल्फ लगा रखा है। इसकी जो जैसे डेप्थ की बात करें हम, जो हमारी गहराई होती है, तो गहराई कम से कम आपकी इसमें 24 इंची रखी जाती है। 21-22 इंची जो हमारा कम से कम साइज होता, 24 इंची जो हमारा बाहर से बाहर हो जाता, जैसे कि ये पत्थर है, पत्थर के लेवल में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं और अपना बना सकते हैं। ये 2 डोर हमने लगा रखे हैं, या अपने हाइड्रोलिक, इसमें सिंगल सोकर हमने इसलिए लगा रखा है जिसमें कि आपका जैसे बंद करते हो तो ये ज़्यादा तेज़ बंद नहीं होगा और आपका आराम से बंद होगा। इसमें आपका गिलास टूटने का चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आपको बास्केट लगानी है, आप इस प्रकार लगा सकते हैं बास्केट अपना। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये बास्केट हमारी जैसे छोटा साइज होता है तो ऊपर की साइड लगाया जाता, और इसमें हमने जो लगा रखा मार्बल पत्थर के अंदर फिट कर रखा। इसमें आपका ये पत्थर देख रहे हैं, इस साइडों हमने चैनल इसी में ही लगा रखा, इससे ये रहता है कि आपका वाटरप्रूफ रहता है किचन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही तरीके से लगा लेते हो तो उसमें दिक्कत नहीं आती, तो इस प्रकार अपना बना सकते हैं। ये अपना देख रहे हैं नीचे भी, ये 6 इंची का है, 6 इंची में आपकी गैलरी स्टार्ट हो जाती है, 4 इंची में ये गैलरी नहीं आती। जो हमारे गैलरी की होती है सिल्की होती है, वो नहीं आती, 6 इंची के बाद स्टार्ट हो जाती है, 6 इंची 8 इंची 10 इंची इस तरीके से बास्केट आती हैं। तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बर्तनों के लिए आप इस प्रकार अपनी बास्केट का साइज रख सकते हैं। ये हमारा हमने जो साइज रखा है ये 4 इंची है, 6 इंची 8 इंची है। इधर हमारा आटे के लिए आटे का ड्रम जैसे बड़ा होता है साइज, तो इस प्रकार बड़ा बास्केट एक बना सकते हैं। ये देख रहे हैं मेल फीमेल हमने ये लगा रखे हैं, इस प्रकार मेल फीमेल लगाने हैं। आपको गिट्टी से अगर आप लगाते हो तो गिट्टी वाला जो काम है वो कच्चा रहता है, तो मेल फीमेल से आपके जब बास्केट की चैनल है वो सही प्रॉपर टाइट हो जाती है। इसके बाद कटलरी, जैसे गैस है, गैस के नीचे ही आप अपने कटलरी का ले सकते हैं। ये देख रहे हैं जैसे PVC में कटलरी लगा रखी है, इसको निकाल के आप धो भी सकते हैं आराम से, सफाई करने में सही रहता। इसके बाद अपना ये देख रहे हैं इधर हमने जो लगा रखा, इसमें सेल्फ लगा रखा, इस प्रकार अपना सेल्फ ले सकते हैं और इसमें अपना सामान स्टोरेज के हिसाब से, अगर आपको एस कोने लगाना एस कोने लगा सकते हैं। इसके बाद अपना ये देख रहे हैं इधर भी हमने डोर लगा रखे हैं, ये अपना प्लान ऐसे ही छोड़ रखा। इसमें अपना बड़े सामान जैसे बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा सामान होता है, जैसे आपका ये देख रहे हैं ये अपना जो बर्तन रखने का स्टैंड होता है उसको रख सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। और सिंक के नीचे की बात करें हम, जैसे कि आपको सिंक के नीचे रखना, इस प्रकार अपना ले सकते हैं। और ये अपना देख रहे हैं
ये आपका जैसे वुडन कलर का लैमिनेट है, अगर आपको जैसे ये लैमिनेट लेना है तो ये मरीनो कंपनी का मिलेगा। और उसके बाद अपने ऊपर की बात करें, आरओ के लिए हमने ये ऐसे बना रखा, इसमें भी अपना नीचे कटिंग कर रखी है, जिसमें आपका पानी जो गिरेगा वो नीचे की साइड गिरेगा, इसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आरओ का। ऊपर हमने जगह यूज करिए सेल्फ लगा दिया, इसमें हमारा कुछ भी सामान, जैसे जगह कम है और ये अब हमारी से बच गई तो इसमें सामान रखने के लिए यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से एक सेल्फ लगा सकते हैं। इधर अपना बर्तनों के लिए स्टैंड जैसे कि आपको लगाना, इस प्रकार लगा सकते हैं। ये भी हमने नीचे से कटिंग कर रखा है, ये देख रहे हैं, नीचे से कटिंग कर रखा है। पानी के लिए जैसे पानी गिरेगा तो नीचे गिरेगा, अंदर बक्से में नहीं रुकेगा। इस प्रकार बना सकते हैं। ऊपर अपने जैसे कि आपका जैसा छत तक बनानी है तो इस प्रकार ले सकते हैं, ये अपना इस प्रकार बना सकते हैं। और हम जो लगाते हैं इसमें जैसे कि फास्टनर लगाते हैं पीछे की साइड, जिसमें कि मजबूती ज़्यादा बनी रहे। और इसके बाद अपना ये देख रहे हैं, इधर हमने जो लगा रखे इसमें डबल सेल्फ लगा रखा, इस प्रकार अपना सेल्फ लगा सकते हैं। छोटा सामान है, जैसे आपकी हाइट सामान की कम है तो इस तरीके से ज़्यादा सामान आ जाएगा आपका, इस प्रकार बना सकते हैं। इसकी हम डेप्थ की बात करें तो ये अपनी 12 इंची बनाई जाती है। इधर भी हमने सिंगल सेल्फ, जैसे बड़ा सामान रखना तो बड़े सामान के लिए इस प्रकार ले सकते हैं। नीचे हमने लाइट का सिस्टम छोड़ रखा, जैसे कि आपको प्रोफाइल लाइट लगानी है, ये लाइट अच्छी रहती है, देखने में अच्छी लगती है। पन्नी अभी लगी हुई है इस पर, इसको हटेगी, बाकी इसमें अच्छा लगेगा देखने में। इस प्रकार मैं दिखा देता हूँ, नीचे से दिखा दो आप एक बार लाइट कैसा लग रही है। इसमें बंद करने के बाद ऐसी लगती है और ये जल गई अपने। ये आपको सफाई करते हो तो आपके हाथ में नहीं लगेगी, इस प्रकार लगानी है आपको। ये हमने यहाँ पे भी अपने चिमनी के ऊपर कवर कर रखा है, इस तरीके से पल्ले लगा रखे, ऐसे लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं अपने। और अपने इसी हिसाब से अगर आपको प्रोफाइल लगानी है तो ये सीधे लगाने पड़ेंगे, अगर आपको प्रोफाइल नहीं लगानी तो गोलाई में काट के आप वैसे बना सकते हैं। काफ़ी वीडियो में देखा होगा आपने। इधर हमारा जैसे बड़े सामान है, बड़े बॉक्स हैं, तो इसके लिए हमने एक ही सेल्फ लगाया। जहाँ पर ज़्यादा सामान है, छोटा सामान है, तो उसके लिए दो सेल्फ लगा सकते हैं। क्रोकरी का हमारा इधर आ गया था। इसके बाद ये पाइप की जगह ढकने के लिए, और ऊपर हमने एक सेल्फ ले लिया जिसमें कि आपका सामान भी रख सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं इधर हमारा, इधर भी हमने बॉक्स बना रखा किचन का, ये आप इस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, ये अपने ऊपर दे सकते हैं, इसमें भी हमने सेल्फ लगा रखा। ये जैसे कि आपका हाइट है, हाइट के हिसाब से आप अपना बना सकते हैं इस प्रकार। और ये आपका 8 इंची बॉक्स बनाया जाता है, जिसमें कि आपका कुछ सामान ओपन रखना है तो ओपन रख सकते हैं, जैसे कप हो गए, गिलास हो गए, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है छोटा मसाले के डिब्बे होते हैं तो उनको आप ओपन रख सकते हैं, जिसमें डेली यूज का होता है तो इसको आसानी से अपने यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हैं, इसमें एक प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, ये देख सकते हैं। इसकी जो मैं हाइट की बात करूं, जैसे इसकी हम हाइट जो छोड़ते हैं जैसे इसकी बॉक्स की, तो ये हाइट कम से कम यहाँ से रखनी चाहिए 27 इंची, जो हमारा टाइल्स का 3 इंची स्टार्टिंग है, उसके बाद 2 फुट की टाइल्स है। तो इसमें हाइट आप देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा सामान भी, जैसे हम रसोई में काम करते हैं एक नीचे हो जाता है तो वो एक भरा भरा किचन हो जाता है, उसमें ओपन कुछ दिखाई देता नहीं है, उसमें अपना जैसे किचन बहुत वो हो जाता है, जैसे कि छोटा किचन हो गया, इस तरीके से वो गलत सा लगता है, अच्छा लगता। और एक थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हो आप तो उसमें एक किचन ओपन भी लगता है, स्पेस भी ज़्यादा बड़ा लगता है, किचन देखने में भी सुंदर लगता है। इस तरीके से बना सकते हैं। ये पार्टीशन आपको मार्बल के देने, आपको जो बचाव करना है इस तरीके से करना है, जैसे कि जो कुछ कमियां रह जाती हैं किचन में, जब हम बनाते हैं किचन की जो हम कमियां छोड़ देते हैं, पत्थर में बास्केट नहीं लगाते, कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना वुडन में लगाते हैं। वुडन ऐसा होता है, आपने देखा होगा नीचे पानी जो होता है, पानी का काम होता है, अगर अंदर पानी रुका रहेगा तो बोर्ड सड़ेगा, किसी भी कंपनी का लगा लो आप तो बोर्ड सड़ेगा। तो इस तरीके से नीचे से अगर आपको अच्छा किचन बनाना, लंबे समय के यूज करने के लिए बनाना, तो पत्थर के पार्टीशन आप खड़े करके बनवा सकते हैं। इसमें मजबूती भी रहती है और अच्छा भी रहता है। इसमें जो काम जो इसमें फिटिंग होती है, वो मेन मकसद जो होता है वो कारपेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें फिटिंग सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं। सारी फिटिंग इसके अंदर लग जाती है क्योंकि साइज अपने हिसाब से बनवाना पड़ता है। एस्क्राउजर भी लग जाता है, मैजिक कॉर्नर भी लग जाता है। वुडन में ये होता है कि ऊपर से सेल्फ लगा देते हैं, उसमें पानी आपने देखा होगा कहीं से जा रहा तो पीछे से प्लाई सड़े, कुछ दिक्कत आती रहती है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसमें जैसे कि एक्रेलिक की जगह लैमिनेट लगाएं, क्योंकि इसमें स्क्रैच नहीं आती। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कुछ एक्रेलिक फट जाती है, जो उसमें दरार सी आ जाती है तो उसमें निशान से आ जाते हैं। तो किचन में हमेशा सनमाइका यूज़ कर सकते हैं, हाई ग्रोथ में अच्छी क्वालिटी के सनमाइका मिलते हैं, आप ले सकते हैं और उसमें बना सकते हैं। किचन की जो लंबे लाइफ होती है, समय जो अच्छा मिल जाता है, जो हमारा ख़राब नहीं होता, तो वो सनमाइके में ही ठीक रहता है। तो इस तरीके से एक मॉडल किचन का साइज आपका, जैसे ये इसके हम लंबाई की बात करें, इस तरीके से 10 फुट है और ये हमारा 7 फुट किचन है, इस तरीके 7 फुट है।
और ऐसा 10 फीट है। अगर आप ये किचन बनाते हो इस तरीके का पूरा ही मॉडुलर किचन आपका जो बनेगा, इसमें जैसे कि अगर हम मार्बल का भी यूज करते हैं तो इसमें जैसे बनाते हैं तो इसमें सारा कुछ सामान हमारा इंक्लूड आ जाता है, इसमें कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आ जाता। अगर आपका मार्बल का पहले से हुआ तो 2 लाख का खर्चा आ जाता, तो टाइल्स का निकाल के और अपना मार्बल का निकाल के तो 2 लाख रुपये में ही पूरा वुडन का काम हो जाएगा, जिसमें ये अपनी चिमनी अलग से है इस तरीके से। जैसे ही चिमनी का साइज छोड़ना तो 2 फुट इस तरीके से छोड़ सकते हैं। ये चिमनी की बात करूँगा, ये अपना चिमनी आप देख सकते हैं इस तरीके से अपना ले सकते हैं। और ये वाला जो चिमनी है सेंसर वाला नहीं है, इसमें अपना ये बटन से ही काम करेगा इस तरीके से, ये अपना इस तरीके से काम करेगा। इस तरीके से अपना एक चिमनी लगा सकते हैं, अगर आपको जैसे लगाना एक जो हमारा सेंसर वाला होता है उसको भी लगा सकते हैं, सेंसर वाला अगर आपके जैसे जिस तरीके से, क्योंकि इसका प्राइस कैप की है थोड़ा कम है प्राइस इसका, तो ये वाली कैप की तो आपने देखा होगा अच्छा दाम है। उसमें जो हमारी बास्केट है, बास्केट की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इनोटेक अपनी बास्केट है, और इसमें ये कोल्ड कंपनी का बास्केट है आप देख सकते हैं इधर, इसमें इसी क्वालिटी का मटेरियल लगा सकते हैं आप। ये देखें HDHMR जो हमारा बोर्ड है जो ग्रीन वाला, तो उसको ले सकते हैं। मरीनो कंपनी का लैमिनेट है, ये देख सकते हैं मरीनो कंपनी का लैमिनेट है। अगर आपको ये लेना है लैमिनेट तो इसका कोड नंबर ये है आप देख सकते हैं 21027। अगर आपको ये कलर पसंद आता है, एक्रिलिक में चले जाता है, अच्छा लगता है देखने में, और इसमें हैंडल जो प्रोफाइल हैंडल ब्लैक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपके, इसी तरीके की वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड।